हेलो फ्रेंड, आज आप लोग देखिएगा मैं फूलगोभी आलू का सब्जी बना रही हूँ और इसका रेसिपी मैं अभी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और आप लोग वीडियो में बने रहिए, वीडियो कैसे लगी लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए अभी तो मैं इसको काट रही हूँ। फ्रेंड, आप लोग देख ही सकते हो मैंने फूलगोभी इतने तेल में दे दी थी। आप लोग टेस्ट पत्ता देख रहे हो, पचफोरन दी हूँ इसमें, आपका लौंग है, दार्जिलिंग है, इलाच है, इसमें दे के फोरन दी हूँ। और मैं उसको फूलगोभी डाल दी हूँ, उसको नमक हल्दी दे दी। अभी आपका मसाला भी मैंने रेडी कर चुकी हूँ। ये देखिए मैंने जो फूलगोभी मसाला दूँगी, वो प्याज भी हूँ, लहसुन ली हूँ, अदरक ली हूँ, मिर्चा ली हूँ, टमाटर ली हूँ, जीरा का पाउडर ली हूँ, धनिया पाउडर ली हूँ, एयर पोस्टो ली हूँ और इसमें थोड़ा सा लाल मिर्चा भी ले ली हूँ। आप लोग को पूरा मैं रेसिपी बना कर दिखाऊँगी कैसे बनाते हैं फूलगोभी का सब्जी। आप लोग वीडियो में बने रहिए, तब आप लोग वीडियो तक लास्ट तक देखेंगे तो पता चलेगा इसमें मैंने कौन सा टिप इस्तेमाल किया है। आप लोग वीडियो में बने रहिए, वीडियो एंड तक देखिए, तब आप लोग को पता चलेगा। चलो मिलते हैं आप लोग को वीडियो दूसरा वीडियो में। आपको मैं अब फिर मसाला पीस लेती हूँ, फिर लेके आती हूँ आप लोग का सामने लेती हूँ। चलिए तब तक बने रहिए वीडियो में। आप लोग देखिए मेरा फूलगोभी आलू फ्राई हो चुका है, देखिए पूरा लाल लाल हो चुका है। इसमें फिर मसाला डाल देनी हूँ, मेरा मसाला बन के तैयार है। चलिए अभी दिखाती हूँ आप लोग को। आप लोग देखिए मसाला मैंने डाल दी हूँ, अब इसको मैं मसाला को तेल आने तक इसको फ्राई करूँगी। और चलिए फिर भी आप लोग से मिलूँगी। आप लोग देखिए सब्जी, आप लोग देखिए मसाला में तेल छोड़ दिया, आप लोग देख ही सकते होंगे उनको टाइप टाइप दिख रहा है। अब इसमें आप अपना स्वाद का अनुसार पानी डालिए, मैंने पानी डालूंगी। जब मेरा चावल भी बन गया है, चावल भी उसको नमाने का तैयारी हो रहा है, इसमें पानी डाल दूँगी, उसके बाद में चावल नमाऊँगी और आप लोग को मिलती हूँ। लास्ट में मैंने क्या डाली हूँ उसको आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लास्ट में क्या मैं डाली हूँ। चलिए तब तक वीडियो आप लोग पहले से देखिए और लास्ट में मिलती हूँ आप लोग को। देखिए लास्ट का टिप क्या है, ये देखिए मिर्चा, अब मैं इसमें डाल दूँगी, इसका फ्लेवर आप लोग चेंज हो जाएगा। और धनिया पत्ता डाल ही चुकी हूँ, आप लोग को धनिया पत्ता दिख भी रहा होगा। इसका एंड है मिर्चा डालूँगी। अब देखिए मिर्चा डाली हूँ, देख ही सकते हैं इसका कलर अब फिर चेंज हो जाएगा। आप लोग कौन कौन कमेंट किया था तो अभी देखिए मैं धनिया पत्ता का चटनी बना रही हूँ। इसमें दी हूँ मूला, लहसुन, मिर्चा, टमाटर, धनिया पत्ता। कौन कौन ऐसा चटनी बना कर खाते हो कमेंट में ज़रूर बताना, बहुत अच्छा लगता है भाई। आप लोग एक बार बना कर खा कर देखिए। हाँ, अभी जीभ में पानी आ गया।